आजा। नाड़े भी जल्दी खुलते थे, वहां दबा क्या रहा। क्या रे बैल, दो मिनट ठहर नहीं सकता जो मेरे पीछे आ गया। मैं पहले आया, तुम तो वहाँ खड़े हुए थे ना। यहाँ का यही चला रहा मेरे को है? और ये कपड़े कब बदला रहे? कपड़े कपड़े तो तुम बदले। अब ये जूते खाने की बात अलग कर। बैग कहाँ है? कौन सा बैग? बैग की चक्कर में रहते तो अब तक वो दो दख में पड़े हुए रहते थे। अरे बस में से उतरते वक्त तेरे हाथ में बैग खड़ा रे बैल। बस में से उतरे सो? बस में चढ़े कब भाई अपन? अब तो चढ़ना है। दिमाग खराब करा मेरा, चल बैग ढूंढ के चल, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएंगे। अरे ऐसा खींच लगे को हाथ निकाल लेते क्या? क्या तभी तो मैं ना कहां तो चले उस्ताद मूत रहे सो रहा। अरे उस्ताद, अरे अरे क्या क्या बुरे खानदान का मूतने गया था? तुम गए थे, मैं गया था मूतने। अरे कपड़े कैसे बदले? कपड़े तुम बदले। और ये हेयर स्टाइल क्या है? तुम तो बोले मर गया तो भी नहीं रखते, ऐसा हेयर स्टाइल बोल के बोले थे। क्या तो भी हो रहा है रे, पांच मिनट में कपड़े बदल जा रहे हैं, लोग दूसरों के शक में अपने को पकड़ ले रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चल बस निकल जा रही, चल यहाँ और ठहरना खतरे से खाली नहीं है। चल चल जल्दी बैठ, बस कहीं कुछ चला रहे जी, अब भी तो उतरे ना अपन। अरे भाई क्या कमा करा रे, अगर अब बैग नहीं मिला तो गली गली भीख मांगना पड़ेगा, समझा। फिर बैग बोल रहे। अरे इतने दिनों से रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर चारा डाल के बैठे तो आज आके फंसे रहे तुम लोग कांटे में। कौन है भाई? हत्ती बत्ती। अरे नहीं पहचाना, बांसर भाई और जुगनू को। खाली अरे बाहर का चारा, अब अंदर का खाओ, चलो। हमको मालूम है शेरवानी की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को दिलावर ख्याल अच्छा है। शेरवानी कहाँ है? फिर शेरवानी? अरे शेरवानी की परेशानी से कब बाहर निकलेंगे भाई अपन? देख अकबर, मैंने तुझे 5 लाख देने का वादा किया था, आज भी अपने वादे पे खायम हूँ। अगर अपने तरीके से वसूल करने पे आ गया तो तुझे 5 पैसे नहीं मिलेंगे। भाई शेरवानी हमारे पास थी, मगर ये बैल बस स्टैंड पे बैग घुमा दिया। भाई कौन सा बैग? अपन तो खाली हाथ भागे थे ना भाई। एक तो मूतने के चक्कर में बैग घुमा दिया, ऊपर से झूठ बोल रहा है जलील। तुम भाभी की याद में पागल हो गए क्या? अब ये भाभी कहाँ से आ गई रे? रजिया भाभी। अब रजिया आपा को तू भी मेरी बीवी बना रहा है कमजर? बीवी को आपा पर अल्लाह रहम कर। चुप। बांधो सालों को कुर्सियों से, जब तक शेरवानी नहीं मिलती छोड़ना नहीं इन चोरों को। फिर कैद में? चुप बैठ, तेरी वजह से हुआ सब। जाओ शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, अब शेरवानी की नहीं हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। नवाब शकील चंगेज़ की बहन की शादी सारे शहर में मालूम हो गया, जाओ उन्हें ढूंढ लाओ। नवाब साहब वो दोनों चोटे फिर भाग गए कहते ना? हाँ वो दोनों चोर भाग गए, अगर वो लोग नहीं मिले तो उनकी जगह तेरे खानदान को इस दीवार में दफना दूंगा। आप लोगों के महिला हम जैसे गरीबों की लाशों पे टिके हुए क्या? अभी तो मैं जरा जल्दी में हूँ, तेरे ये चुरकों का जवाब बाद में दूंगा। नवाब साहब आपका फोन। हेलो। आदाब नवाब साहब, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। ठीक है, उन दोनों को पकड़ के रखो, मैं आ रहा हूं। दिलावर मेरे दोस्त, दोस्त वही जो बुरे वक्त में काम आए, आज तूने नवाब का दिल जीत लिया। नवाब साहब हम तो एक ही बात जानते हैं, चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। आपके चोर सीना जोरी से जाने की चक्कर में हमारे हाथ लग गए। कहाँ है वो दोनों? ले आओ उन दोनों को। अरे चल रे ढेपे, अरे चल आटे के लुंडे। अरे आप नवाब भैया चौरस्ता हर रास्ता क्या आपसे मिलता क्या? परेशानियों से भागना इतना ही आसान होता तो आज दुनिया में कोई परेशान नहीं होता। छोड़ दो इन दोनों को, आज मेरे बहन की शादी है। खुशियों के मौके पर कैदियों को आजाद करना आप नवाबों की शान रही, मगर मेरे को आपके शान से कोई मतलब नहीं, मेरे को मेरे हिस्से से मतलब है। अब ये चोर नहीं हमारे घर का दामाद है, मेरी बहन की शादी इससे होने वाली है। नवाब की नियत खराब हो रही, भेजो मियां इन लोगों को अंदर। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगा। ले चलो इन दोनों को। ये ले आलू के ढेपे। पहली बार बिना कैश के अपने पास से आइटम गया है, चलो रे। साहब माफ कर दो साहब, हम लोगों को, हम गरीब छोटे मोटे लोग हैं साहब।
अब आप चंगेजी खानदान के दामाद है तो छोटे कैसा होगा? मैं चंगेजी खानदान का दामाद कब से हुआ रे? जब से इनकी बहन अनारकली आपको पसंद करने लगी। आपकी बहन मेरे को पसंद करे? वैसे ये कोई नई बात नहीं है, मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि लड़कियां मेरे को देख देख दीवानी हो जाती है। सलीम, मेरे सलीम, कहाँ चले गए थे तुम? सलीम, शादी का मंडप छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? ये पागल कौन है भाई? अच्छा, ये पागल नहीं, हमारी बहन, आपकी होने वाली बीवी। सलीम, मुझे सलीम, मेरे सलीम, सलीम। अरे भाई, फिर ये गौ को कहीं को लेके आए साथ? अरे तुम क्या, तो भी होगा पागल, बाता मत कर। गौकुनिया के कहाँ जाते थे? नवाब साहब की खेत में रहते थे क्या? दीवाने बात कर रहा, इलाज कराना पड़ेगा तेरा। मामू, कहाँ चले गए थे आप? हम भी रो रहे थे ना। ये क्या नया तमाशा है? अब्बू को मामू कहीं को बोल रहे? आप ही बोले अब्बू ने मामू बोला बोल के। मैं कब बोला मियाँ? अरे आप ही बोले ना बच्चों को मामू बोला बोल के। रजिया आपा को भी आप आपा बोलते थे। लाहौल वाला कुत, मैं अपनी बीवी को आपा बोलूंगा रे सिपले, और तू मेरे को ये शोदे बोले जैसा उस्ताद उस्ताद क्या बोल रहा है? शोदे तो आप हो गए, सुल्ताना नहीं मिली बोल के रजिया आपा के ऊपर नीयत खराब है सर का दिख रहा, इसलिए वापिस गाँव को फिर आ गए। अरे जलील, सुल्ताना मेरे बहन के जैसी है समझा, और रजिया मेरी बीवी है, मेरे को मेरी बीवी पे नियत खराब करने की क्या जरूरत है रे? अच्छा, अब सुल्ताना बहन और रजिया बा बीवी। क्या वाहियात बातें कर रहे? थोड़े दिन में गांव के बाहर क्या रहा, सबके अखला सुनामी के साथ बह गए जैसा दिख रहा। अरे सुल्तान, क्या है रे तेरे छिछोरे हरकत, मेरा मुँह काला कर दे रहा तू। अरे क्या अम्मा, आप भी इतने दिनों के बाद बेटा मौत के मुँह से बच के आया, आप खुश होना छोड़ के उल्टा मेरे को छिछोरा बोल रही। रजिया कहाँ है? वो खैरू बाबा के नहीं गई, वो चोर के पास कहीं को गई ईमान खराब करने। चल रहे, चलो बेटे, चलो अंदर चलो। बाबा बाबा, आप दवाखाने को नको लेके जाओ बोले, तीन तीन टाइम धुआं देओ बोले, तबीयत ठीक होने की जगह और भी बिगड़ गई। दवाखाने को गए तो डॉक्टर शरीक भी नहीं करतो बोला, देखो इनकी हालत क्या हो गई। मैं बोला था डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, फिर कहीं को ले गए। डॉक्टर से अच्छा होता जूने, पहले तीन पुड़ियों का धुआं दिए, अब और तीन पुड़ियां दे रहा हूँ, छह वक्त धुआं दियो। अच्छा बाबा, देख तुम कैसा अच्छा। अब ले जाओ। रजिया, तुम ईमान खराब करने यहाँ कहीं को है? अल्लाह बाबा, आपके पास आते ही चाह गए, देखो अब तो आप अभी नहीं बोले मेरे को। बाबा को कोई मामूली हस्ती समझे? अभी बाबा के कारनामे देखे इसका? इसी खुशी की बात पे दो काले बकरे ला लो कल। बाबा पैसे ले लेते। चोर साले, दो घर देने होना तेरे को। हौला बना रहा गांव के मासूम लोगों को, अगर दो दिन के अंदर तू ये गांव छोड़ के नहीं गया ना, तो तेरे को पुलिस के हवाले नहीं कराना, तो मेरा नाम भी सुल्तान नहीं समझा। चलो जी, तुम चलो। मैं इनका क्या कर? Sometimes आ गई फकीरों की टोली। I feel happy, bubbly when coming to your home. रात को अंग्रेज आया था क्या? Shut up you silly. Where is bubbly? क्या है कि इसको बोलते नई बॉटल में पुरानी शराब।